iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यही वो तीन iPhones हैं जिसे Apple इस बार सितंबर में लॉन्च करेगा। वैसे तो पहले ही इस फ़ोन के रूमर्स बहुत ही चल रहे थे कि इस फ़ोन में ट्रिपल लेंस कैमरा होने वाला है, और बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे, और इसके रिलीज़ डेट पे भी बहुत सारे रूमर्स थे कि एप्पल इसे 10 सितंबर को लॉन्च करेगा, क्योंकि एप्पल ने जब अपना iOS 13 का पब्लिक बेटा रिलीज़ किया था तो उसमें एक स्क्रीनशॉट था जो कैलेंडर आइकॉन पे 10 लिखा था, तो इससे बहुत सारे रूमर्स स्प्रेड हो गए थे कि एप्पल 10 तारीख को अपने तीन न्यू आईफोन्स लॉन्च करेगा। लेकिन एप्पल ने कल ही इन्विटेशंस भेज दिए हैं कि वो अपना नया आईफोन्स 10 तारीख को स्टीव जॉब्स थिएटर कुपरटिनो में लॉन्च करेंगे। वैसे एप्पल ने जो प्रो वर्ड यूज़ किया है वो इस फ़ोन को थोड़ा भी जस्टिफाई नहीं करता है। आप इसे किसी भी एंगल से प्रो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर 10S Max से देखें तो आपको इसमें सिर्फ एक ट्रिपल लेंस कैमरा मिलने वाला है जो कि एक वाइड एंगल लेंस होगा, और एप्पल ने वाइड एंगल लेंस देके कोई तीर नहीं मार लिया है। बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं जो कि एप्पल से बहुत ही कम पैसे में आपको वाइड एंगल लेंस दे सकते हैं। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि iPhone 11 Pro और 11 Pro Max में क्या डिफरेंस होगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनमें डिफरेंस सिर्फ दो चीज़ का होगा, एक तो स्क्रीन साइज़ है, और एक जो है एप्पल iPhone 11 Pro Max में एप्पल पेंसिल का सपोर्ट होगा, बाकी सब इंटरनल्स, कैमरा स्पेसिफिकेशन सब में सब कुछ सेम होगा। टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकेशन, तीनों नए iPhones में न्यू एप्पल A13 बायोनिक चिप आएगा जो कि 7 नैनोमीटर प्रोसेस पे बिल्ड होगा, और वो बहुत ही पावर एफिशिएंट और पावरफुल होगा एज़ कम्पेयर टू एप्पल A12 बायोनिक चिप विच इज़ स्टिल अ बीस्ट। अगर इन फ़ोन्स के डिज़ाइन की बात करें तो आपको इनका डिज़ाइन प्रीवियस ईयर के आईफोन से काफ़ी सिमिलर देखने को मिलेगा। जो डिफरेंस होगा वो फ़ोन के बैक साइड में होगा, जहाँ आपको एक स्क्वायर लेंस में ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा, बट एप्पल आईफोन 11 जो होगा उसमें आपको डुअल कैमरा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वो 10R का सक्सेसर है जिसमें सिंगल कैमरा था, और जो 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स है उसमें आपको स्क्वायर में ट्रिपल लेंस कैमरा देखने को मिलेंगे जो कि 10S मैक्स और 10S के सक्सेसर होंगे। दोस्तों, इन तीनों नए आईफोन्स के साथ आपको आउट ऑफ द बॉक्स iOS 13 का सपोर्ट मिलेगा, जो कि एक मेजर अपग्रेड है फ्रॉम iOS 12, क्योंकि iOS 13 सम कूल फीचर्स के साथ आता है, जैसे कि नाइट मोड हो गया, और फिर इम्प्रूव टैप्टिक इंजन्स हो गया, और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हैं जो एप्पल ने किए हैं एज़ कम्पेयर टू iOS 12। और iOS 13 जो है वो बहुत ही एफिशिएंट होगा, बहुत ही स्टेबल होगा, बहुत ही ईजी टू यूज़ होगा। टॉकिंग अबाउट बैटरी कैपेसिटी, जो iPhone 11 होगा उसमें 3000 मिली एम्पास का बैटरी आपको देखने को मिलेगा, जो कि 20% इम्प्रूवमेंट होगा लास्ट ईयर के iPhone 10R से। और iPhone 11 जो है उसमें आपको 3200 मिली एम्पास की बैटरी देखने को मिलेगी, और जो 11 Pro Max होगा उसमें 3500 मिली एम्पास की बैटरी मिलेगी आपको। लेकिन दोस्तों, आप बैटरी के कैपेसिटी पे बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि ये एप्पल का iOS सिस्टम है जो कि बहुत ही स्टेबल है। आप गैलेक्सी नोट 10 प्लस और 11 प्रो के बैटरी कंपेरिजन को देख लीजिए, आपको नेक टू नेक कॉम्पिटिशन ज़रूर देखने को मिलेगा। रैम और स्टोरेज की बात करें तो आपको iPhone 11 के साथ 3GB रैम विथ 64/128 एंड 512GB के वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, और वहाँ पे iPhone 11 और 11 Pro Max के साथ 4GB रैम विथ 128 एस बेस एंड 256 एंड 512 के वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन आप रैम पे बिल्कुल भी मत जाइए, iOS का 4GB रैम इक्विवेलेंट टू 8GB इवन 12GB रैम के बराबर हो सकता है, और वो बहुत ही ईजीली मल्टीटास्किंग हैंडल कर सकते हैं। अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो iPhone 11 जो होगा उसमें आपको एक LCD पैनल मिलेगा जिसे Apple सुपर रेटिना डिस्प्ले बोलता है, लेकिन वो असली में एक LCD पैनल ही होता है। और Apple iPhone 11 Pro और 11 Pro Max में आपको OLED स्क्रीन्स मिलेंगे जो कि Samsung मैन्युफैक्चर करेगा, और बस इतना ही। अगर आप इस बार सोच रहे थे कि आपको आईफोन के बॉक्स के अंदर फास्ट चार्जर विद टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि एप्पल इस साल भी अपने ट्रेडिशन को कंटिन्यू करने वाला है जो कि वो करते आया है। तो आपको इस साल के आईफोन्स के बॉक्स के अंदर एक 5W का ट्रैवल अडाप्टर मिलेगा, और फिर लाइटनिंग पोर्ट मिलने वाला है जो कि बहुत ही घटिया होती है, बहुत ही घटिया क्वालिटी की होती है, टूट फूट के ख़राब हो जाती है, तो पता नहीं एप्पल टाइप सी पे क्यों नहीं जा रहा है।
और दोस्तों इस साल के जो आईफोन्स हैं वो 4G को ही सपोर्ट करेंगे। अगर आप सोच रहे थे कि वो 5G को सपोर्ट करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। एप्पल 5G आईफोन्स नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली 2020 आईफोन्स में ज़रूर लाएगा। तो दोस्तों ये सब तो हो गया फ़ोन के बारे में, उनके स्पेसिफिकेशन फीचर डिटेल्स के बारे में, लेकिन जो सबसे मेजर फैक्टर है वो है प्राइस के इन आईफोन्स के। दोस्तों ऐसा कि आपको पता है एप्पल हमेशा ही प्रीमियम चार्ज करता है और लास्ट ईयर की तरह इस साल भी आईफोन्स के प्राइस एक्सपेक्टेड हैं जो कि बहुत ही हाई होंगे, लेकिन ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि लास्ट ईयर के जो प्राइसिंग थे सेम वैसे ही एप्पल इस साल अपने नए आईफोन्स की प्राइसिंग को रखने वाला है। यानी कि जो आईफोन 11 होगा वो 799 से स्टार्ट होगा, और मैं ये सब डॉलर्स मैं बता रहा हूँ, और जो iPhone 11 Pro होगा वो $999 में होगा, और जो iPhone 11 Pro Max होगा वो $1099 में होगा। अगर देखा जाए इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने से तो वो बहुत ही महंगा होता है, और अगर लास्ट ईयर की तरह इस साल भी अगर एप्पल ने ऐसे ही प्राइसिंग को लेकर इंडिया में अगर iPhone लॉन्च किए तो लास्ट ईयर की तरह भी उनका सेल्स ऐसे ही ख़राब रहेगा। तो फाइनल में एक क्वेश्चन आता है कि क्या इस साल के iPhones में अपग्रेड करना सही होगा। तो देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर आपके पास अगर आप 10 और अबव के आईफोन यूज़र्स हो तो आपको अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। और अगर आप आईफोन 8 और 8 प्लस के यूज़र हो तो मेरे हिसाब से आपको अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपग्रेड करना वर्थ नहीं है यार। आपको एंड में क्या मिल रहा है, एक 3 कैमरा मिल रहा है और बस वही मिल रहा है। डिज़ाइन तो सब कुछ सेम 3 साल पुराना ही है। अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप 2020 आईफोन्स के लिए कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं, क्या पता आपको आईफोन SE 2 भी देखने को मिल जाए, जिसके बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं कि एप्पल आईफोन SE 2 2020 में लॉन्च ज़रूर करेगा। सो गाइज़ आपका आईफोन 11 के ऊपर क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताना। चलो फ़िलहाल के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम।